हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड रफ इंक्लाइंड प्लेन, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस की हम बात करते हैं तो हम वी नो दैट फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जैसे हमारे पास कोई भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल के ऊपर हमारे पास क्या है, एक बॉडी, ये है, ये बॉडी मूव कर रही है विद ए फोर्स पी, पी पी फोर्स ये मूव कर रही है, ठीक है। तो मूव करके ये एस डिस्टेंस डिस्प्लेस कर रही है और इस पोजीशन पे पहुंच जाती है, ठीक है, इस पोजिशन एस डिस्टेंस डिस्प्लेस करके इस पोजिशन में पहुंच जाते हैं। हमें पता है हमारे पास जो फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है, इस मोशन का रिलेटिव जो मोशन होती है बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट दैट इज ऑलवेज अपोज, ठीक है। फ्रिक्शन हमेशा उसका क्या करता है, अपोज करता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन, ये फोर्स हमने अप्लाई किया था तो इसका अपोज करता है तो फ्रिक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये इसका फ्रिक्शन। तो हमें पता है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक के ऊपर हमारे पास एक बॉडी मूव करती है तो उसका कुछ वेट होगा, वेट होगा तो वेट क्या है इसका, एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ अमजी, ये इसका क्या है, वेट है, ठीक है। और इसको बैलेंस कर रहा है वो इसका क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन विच इज बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। वो क्या है, वेट, बॉडी के वेट को बैलेंस कर रहा है तो आर इक्वल टू अब ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट कर। अब हमारे पास क्या है, बॉडी मूव कर रही है उन्हें लेवल ट्रैक ट्रैक के ऊपर विद ए फोर्स पी, पी फोर्स के साथ ये मूव कर रही है तो क्या है, अप इज द फ्रिक्शन विच इज अपोज द रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन को ये अपोज करता है तो वी नो दैट एक्सेलरेशन, ना दैट फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स, ठीक है। ये हमारे पास इससे इक्वल होता है एंड बॉडी बिगेन टू मूव, जब बॉडी हमारे पास मूव करने को होती है तो उस केस में हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है। अब जब हमारे पास बॉडी मूव करती है एस डिस्टेंस क्या होती है, अंडर एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है, बॉडी कवर ए डिस्टेंस आर, डिस्टेंस एस, सॉरी एस डिस्टेंस कवर करती है तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में है तो इसको हम डिस्टेंस कह सकते हैं, ऐसा हमारे पास क्या है, इसकी डिस्टेंस है तो फोर्स वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, इनटू एस ये हो जाएगा। तो अब हमें पता है इसके बराबर है, ठीक है, ठीक है, फोर्स, सॉरी फोर्स है हमारे पास, फोर्स पी है, ये पी हमें पता है किसके बराबर है, अब इनटू एस, अप इनटू एस के बराबर है, ठीक है। तो अब हमें पता है इसके बराबर न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, अप फोर आर, और अप हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू आर, ये हमें आप कर सकते हैं न्यू आर इनटू, ये हो जाएगा हमारे पास। और आर किसके बराबर है, एम जी, इक्वल टू एम जी, ये हमारे पास क्या है, वर्क डन है।
knowing the value of of the mass of the body and covered distance and coefficient of the friction. Nu is the coefficient of the friction, mass of the body, g gravity, acceleration due to gravity, s distance moved by a body with applied force p. इन तीनों की वैल्यू जी इज द कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू हमें पता है और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू को हम जानकर हम क्या है इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं. ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं. तो ये हमारे पास किसके ऊपर वर्गमूल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसका वर्गमूल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेट ऑफ द बॉडी. ठीक है, मेटेरियल एंड नेचर ऑफ द सर्फस इन कॉन्टेक्ट एंड डिस्टेंस मूव, उसके ऊपर हमारे पास क्या करेगा इसका वर्गमूल डिपेंड. अब हम बात करते हैं वर्क डन इन ए मूविंग ए बॉडी एफ ए रफ इनक्लाइन, इसकी बात करेंगे वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी एफ ऑन इनक्लाइन प्लेन. वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी एफ ए इनक्लाइन एफ ए रफ इनक्लाइन. तो हमारे पास क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है, ए बी इज द इंक्लाइन प्लेन विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ए सी इज द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, ये है हमारे पास. ठीक है, अब सपोज ए मास ऑफ ए बॉडी क्या है, मेक बॉडी है मूल मास इज अम. ठीक है, इस बॉडी का जो मास है वो क्या है अम, एक्टिंग टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, या डाउनवर्ड. ठीक है, ये हमारे पास क्या है इसका वेट है, वेट ऑफ द बॉडी है. ठीक है, विच इज मूव अप, क्या है मूव करी है, मूव अप ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, ए ये मूव अप ऊपर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ऊपर की तरफ मूव कर रही है विद ए फोर्स पी, इसके ऊपर फोर्स पी अप्लाई किया गया है तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है. ठीक है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है रफ इंक्लाइंड प्लेन, ये हमारे पास. तो इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, एक तो हमारे पास क्या होगा एम जी होगा, एम जी क्या है वेट ऑफ द बॉडी, क्या होगा वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हमारे पास क्या है वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड. ठीक है, तो एक्टिंग डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है तो ये हमारे पास क्या करेगा, इट इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, ये हमारे पास क्या है टू कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व होगा, वन इज द अलोंग द प्लेन एंड सेकंड इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन डाउनवर्ड, ये हमारे पास दो कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व हो रहा है. ठीक है, कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास एम जी कोस थीटा, ये थीटा एंगल हो जाएगा एम जी कोस थीटा, और दूसरा है हमारे पास एम जी साइन थीटा, ये दो कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व हो रहा है एम जी कोस थीटा एंड एम जी साइन. ठीक है, ये है हमारे पास. तो एम जी कोस थीटा इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये हमारे पास क्या है नॉर्मल रिएक्शन है आ. ठीक है, ये है क्या है नॉर्मल रिएक्शन आ. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन रिएक्शन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन. And balanced by
बाई एमजी कॉस थीटा। तो हमारे पास आर इक्वल टू एमजी कॉस थीटा ये हो जाएगा। और हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो हमारे पास क्या होगा, एक्टिंग डाउन द प्लेन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, अब इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, अब हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन। तो हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है तो उसके डाउन होगा ये हमारे पास, ठीक है होगा। तो एच बॉडी मूव अप द प्लेन, ये हमारे पास बॉडी ऊपर की तरफ मूव करी है, एज ए बॉडी मूव अप, ये हमारे पास बॉडी ऊपर की तरफ मूव करी है, तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, डाउन प्लेन के डाउन होगा, ये हमारे पास है। और इससे हमने फोर्स क्या अप्लाई किया है, पी, ये हमारे पास किसकी फोर्स, हमारे अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स इंटू ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू ना प्लस एमजी साइन थीटा इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, केस ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ पी इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू द मूव द बॉडी अप द इंक्लाइन प्लेन ए बी इन डिस्टेंस एस, एस डिस्टेंस मूव करवाना है बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पे, तो हमें पी क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड है, पी फोर्स रिक्वायर्ड है, तो फोर्स कितना होगा, अप प्लस एमजी साइन। जिससे हम वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, वर्क डन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी मूव की है इसकी एस, ठीक है। तो इस जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये मूव करता है ए डिस्टेंस एस, देन वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स हमारे पास क्या है, पी फोर्स हमने अप्लाई किया है प्लस डिस्टेंस कितनी है, सॉरी इंटू है, इंटू एस, ठीक है। ये पी हमारे पास किसके बराबर है, अब प्लस एम जी साइन थीटा इंटू एस। तो अब हमें पता है हमारे पास क्या है, क्या है हमारे पास, अब हमारे पास क्या है, म्यू आर प्लस एमजी साइन थीटा इंटू एस इंटू एस, ठीक है। म्यू आर अभी पीछे हमने निकाला था, ठीक है, ये होता है तो म्यू आर किसके बराबर है, एमजी कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है। आर किसके बराबर है, एमजी कोस थीटा के बराबर है, तो म्यू एमजी कोस थीटा प्लस एमजी साइन थीटा इंटू एस। तो हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, इक्वल टू एमजी कॉमन है, म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू, ये हमारे पास क्या है, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप ए इंक्लाइन प्लेन, नोइंग द वैल्यू ऑफ एम न्यू थीटा एंड एस वी कैलकुलेट द वर्क डन इन ए इन मूविंग ए बॉडी अप ए इंक्लाइंड प्लेन। ये था हमारे पास क्या था, वर्क डन इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड रफ इंक्लाइंड। तो अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन के हमारे पास कुछ एडवांटेज होती हैं तो कुछ डिसएडवांटेज होती हैं, इस कारण से हम फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, नेसेसरी एविल, ठीक है। इस कारण से कुछ इसकी एडवांटेज होती हैं, कुछ डिसएडवांटेज होती हैं, तो इस कारण से हम इसको क्या कह सकते, क्या 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 दे देते हैं, क्या कह देते हैं, नेसेसरी एविल, ठीक है।
तो इसकी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, वॉकिंग विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, हम जब चलते हैं तो हमारे पास यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारे पास इम्पॉसिबल होता चलना। क्यों? क्योंकि हम जो ही क्या है ग्राउंड प्रेस करते हैं विद द फुट, देन आवर फुट इज स्लिप ओवर द ग्राउंड इफ डू नॉट हैव द फ्रिक्शन। यदि हमारे पास फ्रिक्शन नहीं होता है तो हम ग्राउंड के ऊपर चलते हैं और उस ग्राउंड को जब प्रेस करते हैं तो विदाउट फ्रिक्शन के हमारे पास क्या है, पैर जो है वो स्लिप कर जाएगा ऑन द ग्राउंड। तो ये है पहली इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, वॉकिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट। सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता है तो कोई भी दो बॉडी है, ठीक है, वो आपस में कोलाइड नहीं करेंगी, स्टिक नहीं करेंगी। ठीक है, या कई दो बॉडी है वो स्टिकेंगी भी नहीं। तो नो टू बॉडीज विल स्टिक टू द ईच अदर इफ देयर इज नो फोर्स। ब्रेक ऑफ व्हीकल, ब्रेक ऑफ व्हीकल डू नॉट ब्रेक विदाउट फ्रिक्शन। यदि हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है तो ब्रेक ऑफ व्हीकल भी काम नहीं करेंगे। जब फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्रेक, हम जो ही ब्रेक लगाएंगे तो क्या करेगा, ब्रेक क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा, तो हमारे पास व्हीकल रुकेगा ही नहीं। और है और भी एप्लीकेशन है, नट एंड बोल्ट फॉर होल्डिंग द पार्ट ऑफ द मशीनरी टूगेदर विल नॉट वर्क। यदि हमारे पास कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है तो हमारे पास जो नट बोल्ट होते हैं जिसे हम किसी भी बॉडीज को टाइट करते हैं तो वो भी टाइट नहीं होंगे। ठीक है, और क्या है, राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ऑन कॉपी या इन एनी प्लेस, हम कोई भी राइटिंग वर्क करते हैं तो विदाउट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जिस चीज के ऊपर कुछ लिखना है तो यदि कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। जैसे क्या है, मैं लिखता हूं तो इस पर कुछ फ्रिक्शन होता तभी लिखा जाता है। यदि डायरेक्ट मैं इसके ऊपर इंक डाल देता, लिखने के लिए डायरेक्ट इंक डाल देता तो इंक क्या है, थोड़ी सी तो टच होती, बाकी बब्बल बन के नीचे गिर जाता। ठीक है, तो उससे हम लिख नहीं सकते डायरेक्ट, क्योंकि उस इंक के डायरेक्ट इंक और बोर्ड के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं। तो मार्कर है तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास जो मार्कर की नीब है इसके अंदर और इसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो रहा है तो इंक इसके ऊपर लग रही है, इस कारण से हमारे पास क्या है इसके। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसे लिखा जा रहा है। ठीक है, और क्या है, हमारे पास ट्रांसफर ऑफ द मोशन फ्रॉम वन पार्ट टू द ऑफ ए मशीनरी टू द अदर पार्ट ऑफ द थ्रू द बल्ट विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। अब जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हम साइकिल की बात करते हैं, मोटरसाइकिल की बात करते हैं, जैसे हम पैडल मारते हैं तो हमारे पास दो पैडल मारते हैं, वहां पे हमारे पास क्या होता है, चैन लगी होती है और वो पीछे व्हील को रोटेट करवाता है, तो उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मीन्स जब हमारे पास इस टाइप से चैन की जो जिसके ऊपर लगती है उसकी शेप नहीं होती, तो इनके बीच में और चैन के बीच में हमारे पास शेप क्या था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो हमारे पास क्या है कि यदि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता तो हम क्या है, मोशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि हम मूव तो कर रहे हैं पेडल को, लेकिन रोटेट क्या कर रहा है, मूव क्या कर रहा है, व्हील कर रहा है, तो हमारे पास मोशन ट्रांसफर हो रही है वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो वो किसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, यदि जो साइकिल की चैन है और पेडल के पेडल है उनके बीच में यदि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता तो वो मूव नहीं करता। यदि जैसे हमारे पास किसी भी सरफेस को हम साफ करते हैं विद द सैंड पेपर, ठीक है, या एमरी पेपर से, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, जैसे किसी भी जैसे सरफेस को हम जितना क्लीन बनाते हैं, क्लीन बनाने के लिए इसको क्या है रब करते हैं, या मिस्त्री है हमारे पास क्या होता है कि दरवाजे को साफ करने के लिए इसको रंदा लगाते हैं क्लीन करने के लिए, तो वो क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता तो वो इम्पॉसिबल होता। ठीक है, ये है हमारे पास। और भी है, फोर्स बिटवीन मैच स्टिक एंड मैच बॉक्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मैच स्टिक एंड मैच बॉक्स,
इज द कॉज ऑफ द फायर। ठीक है, ये हमारे पास जो मैचस्टिक है, जैसे मैचस्टिक है उसमें, ठीक है, जहां प्लेन होती है तो वहां तो, ठीक है, और एक साइड से हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर फास्फोरस लगा होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, ठीक है, रफ सरफेस होता है, उसके ऊपर हम मैचस्टिक को ऐसे करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, वो रब कर क्या होती है, फायर पकड़ती है यार, ठीक है, तो इस वजह से क्या है, उन दोनों के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हो रहा है तभी तो वो फायर कैचअप कर रही है, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाता, तो इसलिए फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल, कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एडवांटेज थी, ठीक है, एग्जाम्पल के बेस्ड पे अब हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज में हमारे पास क्या है, इसका डिसएडवांटेज में हमारे पास क्या है कि हमारे पास जैसे कोई भी, ठीक है, जैसे फ्रिक्शन हमारे पास क्या है, रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, जब भी कोई दो सरफेस हमारे पास कांटेक्ट में होते हैं तो उसके ऊपर जो मूवमेंट होती है या मोशन होती है, तो उसमें हमारे पास फ्रिक्शन क्या करता है, उस मोशन का, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, तो अपोज करता है, तो उस केस में हमें क्या आता है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं मूव करवाने के लिए, तो उससे हमारे पास क्या आता है, एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम होती है। तो हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी हैज टू बी कंज्यूम या स्पेंड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करनी पड़ती है, इस कारण से हमारे पास क्या होता है, एस अननेसेसरी एक्सपेंस ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, तो इस कारण से हमारे पास और क्या होता है कि जो जितना हम इनपुट लगाते हैं उतना हमें आउटपुट नहीं मिल पाता, तो ये हमारे पास क्या इसकी डिसएडवांटेज, क्योंकि हम जितना इनपुट लगाते हैं उतना आउटपुट नहीं मिल पाता। और क्या इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है, तो कई बार हमारे पास जैसे क्या है, हमारे पास व्हील रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं तो उसके बाद जैसे कोई एक्सेल है, ठीक है, तो वो क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या होता है कि वीक होता जाता है या वीक, ठीक है, कम, ठीक है, खत्म होता जाता है। ठीक है, ये साइकिल के हैंडल की बात करते हैं तो उसमें तो ऐसे रोटेट कराते हैं तो टाइम टू टाइम क्या होता है, वो हैंडल के अंदर जो गोलियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है, ये है हमारे पास, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन केस वियर एंड टीयर ऑफ द पार्ट ऑफ द मशीनरी इन कॉन्टैक्ट। यदि हमारे पास कोई भी मशीनरी है उसके पार्ट आपस में कॉन्टैक्ट में है तो वो क्या होते हैं, लॉस, नुकसान होते हैं, उनका नुकसान होता है, वियर एंड टीयर मतलब कि वो खत्म होते जाते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से का होता है, ये भी हमारे पास इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, और यदि हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है तो उसकी वजह से हमें, हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी जिसके वजह से हमारे पास डैमेज ऑफ द मशीनरी पार्ट एंड लोअर ऑफ द एफिशिएंसी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या, मशीनरी के पार्ट जो हैं वो क्या होंगे, डैमेज होंगे, और जो है एफिशिएंसी जो होगी हमारे पास मशीनरी मशीन की वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज और एडवांटेज को देख के हम इसको कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी एंड। अब इस फ्रिक्शन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मेथड ऑफ चेंजिंग ऑफ फ्रिक्शन। यदि हम इस फ्रिक्शन को क्या है, कुछ कम कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, जहां हमें जरूरत नहीं है वहां इसको कम कर सकते हैं, जहां जरूरत है वहां इसको ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन, चेंजिंग फ्रिक्शन, तो इसको हम क्या करते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं फ्रिक्शन को, बाय पॉलिशिंग। ठीक है, बाय पॉलिशिंग, बाय पॉलिशिंग मीन्स हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है, कोई रफ सरफेस है, उसको स्मूथ बना के, स्मूथ बनाने के लिए उसको पूरा हम क्या करते हैं, पॉलिशिंग कर देते हैं, जिससे हमारे पास क्या होता है, ठीक है, किसी भी मटेरियल की पॉलिश कर देते हैं तो उसे हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर रफ सरफेस है उसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, ठीक है, डिप्रेशंस होंगे। ठीक है, वो क्या होते हैं, उसे फिलअप हो जाएंगे। ठीक है, और फिलअप हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होता है, सरफेस क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और क्या, और किससे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं,
बाय लुब्रिकेंट। और कौन सा मेथड है इसको चेंज करने का? बाय लुब्रिकेंट। बाय लुब्रिकेंट, ठीक है, बाय लुब्रिकेंट या लुब्रिकेशन, ठीक है, बाय लुब्रिकेंट या लुब्रिकेशन, ठीक है। लुब्रिकेंट मीन्स, लुब्रिकेंट मीन लाइक ऑयल, ग्रीस, ठीक है। वो क्या करेगा, जैसे रफ सरफेस है तो उसको हम ऑयल को या ग्रीस को यूज करते हैं रफ सरफेस के ऊपर, तो हमारे पास क्या होता है, वो उसकी इरेगुलरिटी जो होती है, इरेगुलरिटी सरफेस को क्या करता है, फिल अप कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, स्मूथ वर्क करता है। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे पास कई बार दरवाजा है हमारे पास, ठीक है, उसकी जो कुंडी होती है वो काम नहीं करती, काम करती है लेकिन क्या होती है, वो कई बार आवाज भी करती है और अच्छी तरह जंग लग जाता है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, तेल डालते हैं या फिर उसको ग्रीस लगा देते हैं, फिर वो क्या है, इजीली मूव करती है, ठीक है। तो वो क्या है, लुब्रिकेशन प्रोसेस, क्या है वो, क्या है, लुब्रिकेशन प्रोसेस है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। और क्या है हमारे पास, बाई प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है। और कौन सा मेथड है, बाई प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेटेरियल्स, ठीक है। तो मेटेरियल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रॉपर मेथड सिलेक्ट, प्रॉपर मेटेरियल हम सिलेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या है, रोड के ऊपर यदि हम कोई भी व्हील है, उस व्हील पे यदि हम मेटालिक व्हील यूज करते हैं, तो क्या होगा, मेटालिक व्हील से हमारे पास क्या होता है, उसको पावर ज़्यादा लगानी पड़ेगी, मूव तो करेगी हमारे पास बॉडी, जैसे हमारे पास क्या है, बस है, ट्रक है, उसके ऊपर मेटालिक व्हील की बात करते हैं, मेटालिक व्हील के मतलब डायरेक्ट हम क्या, हमारे पास जो मेटल का व्हील है तो उससे हम यूज करते हैं, तो उससे हमारे पास क्या, फोर्स ऑफ उसको खींचने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी इंजन के लिए, ये ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कंक्रीट एंड मेटल इज लार्ज देन द रबर एंड कंक्रीट। रबर और कंक्रीट के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, उससे ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में होता है, मेटल और कंक्रीट के बीच, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम रबर टायर यूज करते हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास क्या होता है, उस व्हीकल्स को कम फोर्स लगा के इजिली मूव कर, ठीक है। जिससे और सर कौन सा मटेरियल हमें यूज करना है, जैसे ये सरफेस हमारे पास है, इसके ऊपर जो जो हमारे पास क्या है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस है, इसका इस सरफेस का इसमें से इसी एक को हम चेंज करके प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हम यूज करके हम इसको चेंज, ठीक है। ये नहीं कि हम कोई और मटेरियल को, वो मटेरियल जिनके बीच में रिलेटिव मोशन होनी है, उस मटेरियल को हम प्रॉपरली सिलेक्ट करके, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इजीली इसको फ्रिक्शन को कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस मोस्टली हमें रिड्यूस करते हैं तो हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब दूसरा है बाई स्ट्रीम लाइनिंग, ठीक है। स्ट्रीम लाइनिंग का मतलब क्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे जेट प्लेन्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास क्या होता है, वो व्हीकल जो बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड के अंदर मूव करते हैं, ठीक है, उस व्हीकल की जो शेप होती है आगे से, वो स्ट्रीम लाइन शेप होती है। स्ट्रीम लाइन शेप मतलब आगे से बिल्कुल ऐसे नॉक टाइप में, फिर ऐसे, ठीक है। ये क्या होता है कि ऐसी क्यों की जाती है, फ्रिक्शन ड्यू टू एयर इज कंसिडरेबली रिड्यूस बाई द स्ट्रीम लाइनिंग द शेप ऑफ बॉडी। जो स्ट्रीम लाइनिंग शेप ऑफ बॉडी है वो क्या करती है, एयर के और उसके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है उसको क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं, इसको हम इन फ्रंट ऑफ एनी बॉडी वी मेक द शार्प, क्योंकि किसी कोई भी बॉडी है उस बॉडी को हम फ्रंट में बिल्कुल शार्प यूज कर बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास जेट्स प्लेन हैं, एरोप्लेन्स हैं, ठीक है, या फास्ट मूविंग कार हैं, उनको आगे से पतला बना के फिर पीछे से मोटा करते हैं, ताकि उनका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एयर के बीच में और बॉडी के बीच में, उनकी बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो, ठीक है। अब अगला है बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग,
बॉल बीयरिंग को यूज करके हम क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? पहले तो हम बॉल बीयरिंग होता क्या है, जैसे हमारे पास क्या होता है दो क्या होते हैं दो सिलेंडर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं दो कोएक्सियल सिलेंडर होते हैं, क्या होते हैं दो कोएक्सियल सिलेंडर होते हैं, ठीक है, दोनों का कोएक्सियल सिलेंडर होते हैं एंड विच इज हैविंग इन बिटवीन वो, ठीक है, यदि मैं इसको नाम दे देता हूं ए, इस तरह इसको नाम देता हूं सी, तो इन दोनों के बीच में क्या होंगे ऐसे बॉल्स होंगी, क्या होंगी बॉल होंगी, इन दोनों के बीच में क्या होंगी बॉल होंगी, तो इस बॉल इसीलिए इसको हम क्या होते हैं बॉल बीयरिंग बोलते हैं, ठीक है, तो इसको यूज करके, ठीक है, यह है सी, वी हैव द टू ए, या ये कह सकते हैं एक बॉल बीयरिंग हैविंग द टू कोएक्सियल सिलेंडर ए एंड सी बिटवीन विच हैव द बोल नंबर ऑफ बोल, ठीक है, और वो भी क्या है नंबर ऑफ बोल कैसी है हार्ड मेटल या हार्ड स्टील बोल, ठीक है, हार्ड स्टील बोल, स्टील बोल वी आर अरेंज्ड, ठीक है, द इनर पार्ट जो होता है इसका इनर पार्ट जो ए जो है वो क्या होता है फिक्स्ड एट ऑन द एक्सल ऑफ द एनी व्हीकल या रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ व्हीकल, या किसी व्हीकल की बात कर रहे हैं या कोई हमारे पास मशीनरी है उसके एक्सल के ऊपर इसको हम क्या करते हैं फिक्स कर देते हैं, और जो आउटर जो पार्ट जो होता है इसको हम क्या करते हैं जो हमारे पास स्लाइडिंग जो ऑब्जेक्ट है जैसे व्हील की बात करते हैं तो उसके व्हील के साथ इसको, ठीक है, ये एक्सल के साथ हम इनको फिक्स करते हैं, ये व्हील के साथ फिक्स कर देते हैं, ठीक है, व्हील और एक्सल रोटेट करेंगे तो हमारे पास इस बाल की सहायता से रोटेट, तो बाल को यूज करने का मतलब क्या है, तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास बॉल नहीं होती और व्हील एक्सल के ऊपर डायरेक्ट व्हील होता तो क्या करता उसके अंदर स्लाइडिंग क्या होती, हमारे पास व्हील स्लाइड ऑन द एक्सल, क्या होता स्लाइड करता है व्हील एक्सल के ऊपर, एक्सल के ऊपर स्लाइड करता तो हमारे पास फ्रिक्शन ज्यादा होता, तो उस ये हमने बॉल बेयरिंग यूज करने से हमने उस स्लाइड फ्रिक्शन को क्या कर दिया किसमें कन्वर्ट कर दिया इन रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दिया जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा लेस फ्रिक्शन होगा, क्या होगा लेस फ्रिक्शन होगा, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसकी वजह से हमने बॉल बेयरिंग यूज करके हमने उस फ्रिक्शन को क्या कर दिया रिड्यूस किया, ये है हमारे पास। अब हम एग्जाम्पल की हमने एडवांटेज तो पढ़ी है, तो एडवांटेज में हमने क्या है मोस्टली एग्जाम्पल ही पढ़े थे कि हमारे पास फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या है, ठीक है, एडवांटेज क्या उसमें हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि वी आर एबल टू वॉकिंग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, हम क्या है फ्रिक्शन की वजह से ही वॉक करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हम आइस के ऊपर चलते हैं या हमारे पास क्या होता है एक बिल्कुल क्या है स्लीपी फ्लोर है उसके ऊपर चलना इम्पॉसिबल होता है क्योंकि क्या होंगे बार बार स्लिप करेंगे। दूसरा क्या है, ठीक है, कि हमारे पास कोई भी कार है कोई व्हीकल है ये इम्पॉसिबल टू स्टार्ट ए कार ऑन ए स्लीपी रोड के ऊपर हम कार को स्टार्ट नहीं कर सकते, या आइस सरफेस है उसके ऊपर हम कार को लेके जाते हैं तो उसके टायरों के ऊपर हम क्या करते हैं चैन फिक्स करते हैं फिर हम उसके ऊपर चल पाते हैं आइस के ऊपर चल पाते हैं, ठीक है, और इसी तरह हम आइस के ऊपर चलने के लिए नीचे पैरों में हम क्या यूज करते हैं एक पैनी ऐसी इस पैनी शेप का हम जूते के नीचे लगाते हैं जिसे हम पैर रखते ही वो क्या होता है आइस को कट कर देता है और फिक्स हो जाता है, ठीक है। यदि हम ऑर्डिनरी रोड की बात करते हैं ऑन द ऑर्डिनरी रोड फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द ठीक है कंक्रीट कन्वर्ट रोटेशनल मोशन, तो उसको हम स्लाइडिंग की बजाय उसको हम क्या करते हैं रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिससे हमारे पास जो व्हीकल की एनर्जी है कम कंज्यूम होती है कम उसको फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो और हमारे पास क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर क्विकली स्टॉपिंग रिलेटिव मोशन, काइनेटिक एनर्जी हमें क्या है इम्पोर्टेंट है यदि हमारे पास क्या है कि कोई भी रिलेटिव मोशन है उसको क्विकली स्टॉप करना है उसके लिए हमारे पास क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन जरूरी है, ठीक है, जिससे हमारे पास क्या है जो हमारे पास पावर डिसिपेटेड होती है वो नहीं होती, ठीक
है, ये तो कुछ इसके एग्जांपल थे। तो हमने रिड्यूसिंग का तो एग्जांपल पढ़ दिया, हमने रिड्यूस करना है कि रिड्यूस हम इस वे से कर सकते हैं, बाय पॉलिशिंग से भी हम रिड्यूस करते हैं, बाय लुब्रिकेशन से भी हम क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं, बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल से भी हम क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को, बाय स्ट्रीम लाइनिंग से भी हम फ्रिक्शन को क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं, बाल बेरिंग यूज करके भी हम क्या करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। लेकिन हमें जब फ्रिक्शन इंक्रीज करने की आवश्यकता है, किस केस में इंक्रीज करने की आवश्यकता है, ठीक है, जैसे हमारे पास फर्श स्लिपी है या आइस सरफेस के ऊपर हमने वॉक करना है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रिक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं ऑन द रेनी डे, ठीक है, वी हैव सम सैंड ऑन द स्लिपी ग्राउंड, जो हमारे पास स्लिपी ग्राउंड होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं कुछ सैंड को, ठीक है, डिप फैला देते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है जो फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाता है, फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा तो हम इजीली ग्राउंड के ऊपर मूव कर पाए, ठीक है, तो अब वो स्लिपिंग जो होगी वो स्लिपिंग क्या हो जाएगी रिड्यूस, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हम आइस की बात करते हैं, स्नो की बात करते हैं, उसके ऊपर हमें चलना होता है तो या तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर सैंड स्प्रेड करते हैं, या हम क्या करते हैं नुकीली, जिसका क्या आता है बेस, जो जूते का जो बेस होता है, ठीक है, जिसकी तली हम बोलते हैं, जिसकी नुकीली तली होती है, उसी से हम बर्फ के ऊपर चल पाते हैं, ठीक है। तो बर्फ के ऊपर चलने के लिए हम नुकीली तली के जूते पहनेंगे, क्यों, क्योंकि जो नुकीली तली होगी तो वो क्या होगी सैंड को कट करके अंदर चली जाएगी, जिससे हमारे पास क्या आता है जूता फिक्स हो जाएगा स्नो के ऊपर और चलने में हम इजी रहेंगे, जिससे स्लिप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है। और यदि हमारे पास व्हीकल की बात करते हैं तो व्हीकल स्नो के ऊपर मूव कराने के लिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं चैन होती है, चैन को यूज करते हैं, टायर के ऊपर चैन बांधते हैं जिसके हमारा इजीली मूव कर, या फिर हम क्या करते हैं सैंड के ऊपर मिट्टी, क्योंकि मिट्टी तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मोस्टली हम क्या करते हैं व्हीकल की व्हील्स के ऊपर चैन का यूज करते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास। और भी हमारे पास क्या है कि हमारे पास जैसे हमने बताया कि हम कंक्रीट के साथ प्रॉपर ग्रिप बनाने के लिए, ठीक है, कंक्रीट रोड है हमारे पास उसके ऊपर प्रॉपर ग्रिप बनाने के लिए हम रबर टायर का यूज करते हैं, ठीक है, तो न कि मेटल का, क्योंकि मेटल से उसके ऊपर ग्रिप नहीं बनेगी, मेटल की ग्रिप नहीं बनेगी, तो हमारे पास क्या होगा जब हम क्या करते हैं ब्रेक लगाते हैं व्हीकल की, मूव कराता ब्रेक लगाते हैं, यदि हमारे पास सरफेस इंक्लाइन सरफेस है तो हमारे पास क्या होगा व्हील क्या होगा स्लाइड कर जाएगा, वहां पे स्टॉप नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो फ्रिक्शन जो होता है मेटल के बीच में कंक्रीट के अंदर वो हमारे पास क्या होता है कम होता है, उनको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं रबर मटेरियल यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि कंक्रीट के अंदर और रबर के अंदर क्या होता है एक प्रॉपर ग्रिप बन जाए, ठीक है, और उसको और ज्यादा ग्रिप बनाने के लिए हम क्या करते हैं थ्रेड उस रबर के अंदर क्या होते हैं जो टायर होता है उसके अंदर थ्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जिससे उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं। ये हमारे पास क्या थी कुछ इंक्रीज करने के वे थे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स। तो हमारे पास सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, अब पहले तो हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की, ठीक है, तो हमारे पास क्या है हम बात करेंगे डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमें पता है, हम पीछे पढ़ के आए हैं मोशन के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, ठीक है, इट इज ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग ऑफ ए कॉन्स्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग द सर्कुलर पाथ। क्या है कि हमारे पास क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ के अलोंग कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करे, तो वो हमारे पास क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो डायनामिक्स की बात किया तो मीन्स इस मोशन का कारण क्या है कि ये सर्कुलर में फ्लो करती है, हमें कोज पढ़ना है, तो कोज में हमारे पास क्या आता है सेंट्रीपेटल फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स। स्ट्रेट लाइन में हमने बात की थी, ठीक है, स्ट्रेट हम मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं सिंपल फोर्स की बात करते थे, जब सर्कुलर पाथ हमारे पास है तो वहां हम बात करेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स की। जैसे कि हमारे पास क्या है ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ठीक है, व्हेन ए बॉडी मूव इन ए सर्कल इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज एन इंस्टेंट इज
अलोंग द टेंजेंट, इसकी जो डायरेक्शन होगी, जैसे ये हमारे पास क्या है, इसका सेंटर है, यहां पे इसकी हम बात करते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके टेंजेंट होगी, ठीक है, क्या होगी, इसके टेंजेंट होगी। यहां पे इसकी बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, तो ये इसके टेंजेंट होगी। यहां पे इसकी बात करते हैं डायरेक्शन की, तो ये इसके टेंजेंट होगी। यहां पे इसकी किसी भी पॉइंट पे हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, तो ये इसके टेंजेंट होगी। किसी भी पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो ये इसकी क्या होगी, टेंजेंट होगी। कोई भी पॉइंट लेते हैं वहां पे इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी इसके, ठीक है। तो टेंजेंट होगी तो हमारे पास क्या होगी, डायरेक्शन टेंजेंट होगी तो बॉडी क्या होगी, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी टेंजेंट है, टेंजेंट है तो मीन्स हमारे पास क्या, बॉडी इसके बाहर की तरफ खींच दी जाएगी, तो मीन्स ये हमारे पास सर्कुलर पाथ को क्या करेगी, दूर होती जाएगी, सर्कुलर पाथ को मैं मूव नहीं करेगी, एक लीनियर पाथ अपनाने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या है, इस हमारे पास बॉडी फिर भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस डायरेक्शन को कंट्रोल करता है फोर्स, ठीक है। ये टेंजेंट डायरेक्शन होने के बावजूद भी हमारे पास क्या है, बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ के अंदर, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने के लिए हम जो क्या है, इसकी डायरेक्शन पर्टिकुलरली चेंज होती जाती है इन द टेंजेंट, तो क्यों ये सर्कुलर पाथ में मूव करती है, सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए इसका जो फोर्स रिक्वायर है वो फोर्स हमारे पास क्या है, सेंटर। हम बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ की। न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमारे पास क्या होता है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, तो उसमें हमें क्या पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर, कि ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इट्सेल्फ, ठीक है। अपने आप कोई भी बॉडी क्या है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर, तो उसको चेंज कराने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है, क्या है, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है फॉर दिस पर्पज, एन एक्सटर्नल फोर्स विच इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल। एक एक्सटर्नल फोर्स होता है वो क्या कहलाता है, सेंट्रीपेटल फोर्स का, ठीक है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स को हम क्या कह सकते हैं, कि ए फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी, ए फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ, एक फोर्स जो हमारे पास किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कर, ठीक है। और सर्कुलर पाथ कैसा, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ, ठीक है। दिस फोर्स एक्ट, ये जो फोर्स है, दिस फोर्स एक्ट अलोंग द रेडियस ऑफ द, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल, ठीक है। तो ये इसके सर्कल की जो इसका सेंट्रीपेटल फोर्स होगा वो क्या कि इसको, इसको कंट्रोल करता है। यदि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होता, यदि ये बोल है कि हमारा यहां से स्टार्ट किए हैं और इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होता तो यूनिफॉर्म मूव करती, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करता। तो फिर क्या था, एक फोर्स था, उसे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, तो उसने क्या किया, इसको मूव करवाया, ठीक है। यहाँ पे फिर किसी दूसरा पॉइंट पे जाके इसी, हम इसी बात कर लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ यहीं पे पूछती इतना तो मूव कर दी। इसमें भी हमारे पास क्या होता है, रेडियस तो क्या थ्रो आउट कॉन्स्टेंट है, तो किसी भी पॉइंट की हम बात करते हैं तो हमारे पास जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, बॉडी है सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है। तो हम बात करते हैं ऑन द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूअस चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, देर इज चेंज इन द वेलोसिटी, क्या होती है वेलोसिटी के अंदर, यदि हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास क्या हो रही है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इट मीन्स क्या है, हमारे पास वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इट मीन्स क्या है कि हमारे पास जो मोशन है वो क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो हमारे पास मोशन कैसे हो जाएगी, एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगी, एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगी, तो उसका मोशन, उसका एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होगा, ए क्या हो जाएगा,
अब यहां बात करते हैं कि हमारे पास इसके अंदर वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, ये है अपॉन आर, ये हमारे पास क्या है, ठीक है, अपॉन ये हमारे पास क्या है, वी जो है ये हमारे पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, आर हमारे पास क्या है, रेडियस है, ठीक है, ये लीनियर वेलोसिटी है और आर इसकी क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, इसको एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखते हैं तो आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, वी इज द लीनियर वेलोसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कुलर पाथ जो है इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, आर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और फोर्स की फॉर्म में हम जानते हैं फोर्स हमारे पास क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं कि यदि हमारे पास ये फोर्स है, लीनियर की बात करते हैं, लीनियर में यदि फोर्स लगाता तो ये लीनियरली स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। अब हम बात करते हैं सर्कुलर में, सर्कुलर में ये फोर्स हमारे पास क्या होता है, चेंज इनटू ए सेंट्रीपेटल फोर्स, ये हमारे पास सेंट्रीपेटल फोर्स में चेंज हो जाते हैं, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, मास इंटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, मास इंटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब बराबर है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर हम लिखते हैं एम इंटू आर ओमेगा, ये हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपेटल फोर्स चेंज डायरेक्शन कंटिन्यूसली एज द बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये था हमारे पास सेंट्रीपेटल फोर्स। अब हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, ये तो हमारे पास क्या था, सेंट्रीपेटल फोर्स। अब हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, इसकी बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या होता है किसी, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही होती है, सर्कुलर पाथ के अंदर यूनिफॉर्मली सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही होती है, तो हमारे पास क्या होता है, कोई भी ऐसा फोर्स जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, बॉडी ओरिजिनल गेन द ओरिजिनल पोजिशन। क्या जैसे हमारे पास कोई भी बॉडी है मूव करती है, स्ट्रेट लाइन की बात करती है, मूव करते हैं, तो वो क्या हो गए, धीरे धीरे फोर्स की वजह से, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करते तो एक, लेकिन क्या होता है उसके अंदर एक यूजुअल ऐसा फोर्स होता है जिसकी वजह से वो क्या होता है, धीरे धीरे स्लो होके क्या हो जाएगी, रस्ट हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी इनिशियल पोजिशन रस्ट से हमने स्टार्ट किया तो रस्ट में आएगी उसके अपने ओरिजिनल, क्योंकि किसी भी बॉडी की हम किसी को बात करते हैं या उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि बॉडी गेन इट्स ओरिजिनल टेंडेंसी या नेचुरल टेंडेंसी, ठीक है, ओरिजिनल पोजिशन, ठीक है, ए बॉडी हैव द नेचुरल टेंडेंसी विच गेन द ओरिजिनल पोजिशन, ठीक है। अब यदि इसके ऊपर कोई सेंट्रीपेटल, ठीक है, और हम सर्कुलर पाथ की बात करते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी मूव करती है उसके ऊपर हमने सर्कुलर पाथ में, तो उसके ऊपर हमने क्या किया है, सेंट्रीपेटल फोर्स अप्लाई किया है। पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, हमने बात की थी स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, यदि हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, कुछ टाइम बाद बॉडी रेस्ट में आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी इज टू मूव यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी बॉडी नेचुरली हमारे पास स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसकी अपनी नेचुरली टेंडेंसी है वो ओरिजिनल पोजिशन, ठीक है। तो व्हेन वी अप्लाई उस जो स्ट्रेट लाइन में मूव करिए तो उसके ऊपर हम सेंट्रीपेटल फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो उसकी जो मोशन है वो क्या होती है, अलोंग सर्कुलर पाथ हो जाती है। सर्कुलर पाथ होने के बाद क्या होती है, उसकी टेंडेंसी क्या है, वो क्या है, उसके वापिस उस स्ट्रेट लाइन मोशन में आए। व्हाइल मूविंग एक्चुअली अलोंग सर्कुलर पाथ द बॉडी हैज कॉन्स्टेंट टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल या नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, उसकी बॉडी की टेंडेंसी है, जब हमने सेंट्रीपेटल फोर्स लगाया तो ये हमारे पास क्या सर्कुलर पाथ में आई थी, अब इसके पास क्या टेंडेंसी है कि ये वापिस स्ट्रेट लाइन मोशन में जाए, ठीक है। तो स्ट्रेट द टेंडेंसी क्यू राइज द
फोर्स, ठीक है, यदि वो जो फोर्स है इसका जो नेचुरल टेंडेंसी का जो फोर्स है वो राइज कर जाता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल। क्या आता है, जो नेचुरली टेंडेंसी गिव राइज द फोर्स, उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है उस फोर्स को इंक्रीज करती है या ज्यादा कर देती है जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाती है, तो उस वो फोर्स हमारे पास क्या कहलाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम किसको कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या किसको कहेंगे, ए फोर्स या इट इज ए फोर्स दैट अराइज व्हेन बॉडी इज मूविंग एक्चुअली अलोंग ए सर्कुलर पाथ। क्या जब हमारे पास कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है तो उस केस में हमारे पास ये फोर्स आता है, इट इज ए फोर्स दैट अराइज इट इज ए फोर्स दैट अराइज व्हेन ए बॉडी इज मूविंग, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग एक्चुअली इन सर्कुलर, जब हमारे पास कोई बॉडी है वो क्या है एक्चुअली एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है तब ये फोर्स अप्लाई फोर्स अराइज होता है, बाई वर्च्यू ऑफ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, बाई वर्च्यू ऑफ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिन, ठीक है, रिगेन इट्स नेचुरल स्टेट लाइक पाथ या ओरिजिनल पोजीशन, नेचुरल इट्स नेचुरल स्टेट लाइन पाथ। ये फोर्स हमारे पास कब होता है, कब जब हमारे पास कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, ये फोर्स अराइज होता है। कब क्यों अराइज होता है, क्यों वो बॉडी की जो टेंडेंसी है उस टेंडेंसी क्या है कि वो नेचुरल पाथ में वापिस आए, देन नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ में वापिस आए, तो उसके लिए ये हमारे पास उस सर्कुलर पाथ का जो मोशन होता है उसके अंदर ये फोर्स अराइज होता है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका अपोजिट फोर्स क्या है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का अपोजिट फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी रिगार्डेड एज द रिएक्शन ऑफ ए सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स को रिगार्ड कर, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल, तो हम कह सकते हैं कि ए फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, देयर मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल, ठीक है, तो हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास कोई भी फोर्स होता है वो अब देखा ये क्या है, दोनों फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या है अपोजिट फोर्स है, तो अपोजिट फोर्स है तो इसका अपोजिट है तो दोनों का क्या होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो हम क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके बराबर क्या लिखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम क्या लिखते हैं, हम वी स्क्वायर अपॉन आर लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं हम वी स्क्वायर आर विच इज द सेम एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, ठीक है, हेंस द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन, ये हमारे पास क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, ये हमारे पास क्या है फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल लिख देता हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, ये हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, रेडियस के अलोंग तो होता है लेकिन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रेडियस, जो रेडियस सेंटर की रेडियस है सेंटर का जो सेंटर सर्कल का जो सेंटर है उससे अवे होता है, तो हम क्या कहेंगे कि जो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बींग द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट
अलोंग ए एंड डिफरेंट टू फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पीस ऑफ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज रोटेटेड इन ए सर्कल। हम कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं, उसके एक एंड के ऊपर हम क्या करते हैं, स्टोन बांध देते हैं, एक एंड को हम पकड़ लेते हैं और फिर उसको ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक है। तो रोटेट करते हैं तो रोटेट करें जो हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसके अलोंग हमारे पास क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और टुवार्ड्स द हैंड, हैंड की तरफ होगा, ठीक है, और रोटेट करेगा वो सर्कुलर पाथ के अंदर। जो है हम उसको लूज कर देते हैं, थोड़ा सा भी हम उसको लूज कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, वो स्टोन नीचे की तरफ आ जाएगा। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, जिसने क्या कर दिया, आप उसकी टेंडेंसी को, जो उसकी टेंडेंसी क्या थी, नेचुरली टेंडेंसी क्या थी, स्ट्रेट लाइन थी, वो टेंडेंसी उसके अंदर आ गई, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो जो फोर्स था वो जो स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग के अलोंग तो था लेकिन वो क्या था, आउटवर्ड था, मीन्स हमारे हाथ की तरफ न होके वो अपोजिट टू हैंड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल, क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल। हमने आज क्या क्या पढ़ा है, वर्क डन इन ए मूविंग ए बॉडी रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, रफ इंक्लाइंड प्लेन, और एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो आज के लिए इतना काफी है, ओके, थैंक यू।